मोटरवे समेत कौमी शाहराओं पर धुंध के डेरे। ठोकर न्याज बेग, शेराकोट, काला शकाकू, सगिया पर सुबह सवेरे धुंध, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। तर्जुमान मोटरवे की शहरियों को मोहतात ड्राइविंग करने की हिदायत। शेख जैद अस्पताल में यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को एहतजाज, महंगा पड़ गया। अकेडमिक काउंसिल की डॉक्टर समेत 14 अफराद के खिलाफ कार्रवाई। यंग डॉक्टर्स के नायब सदर को एक माह की तनख्वाह देकर नौकरी से बर्खास्त कर दिया। चार डॉक्टर्स को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म। पैरामेडिकल स्टाफ के 8 अफराद की भी मुअत्तली के अहकाम जारी। पीआईसी में 6 करोड़ रुपए के गैर रजिस्टर्ड सर्जरी आलात की खरीदारी का मामला। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का इंक्वायरी के बाद बड़ा एक्शन। 9 अफराद को सजाएं सुना दी। मौजूदा एमएस डॉक्टर अमीर बेगुना साबित। साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव प्रोफेसर मोहम्मद अजहर की 1 साल के लिए 1% पेंशन कम करने की मंजूरी। डकैती मुजाहमत का एक और वाकया। सुंदर के पोशी इलाके में जेवरात ना देने पर डाकू ने फायर खोल दिया। फायरिंग से 67 साल शख्स जख्मी। फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल। डीआईजी ऑपरेशन वकास नजीर का नोटिस। एसपी सदर से रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर की कमर्शलाइजेशन पॉलिसी क्या होगी। लाहौर न्यूज ने इब्तदाई ड्राफ्ट की कॉपी हासिल कर ली। एलडीए ने अराजी और सालाना कमर्शलाइजेशन पर पाबंदी की तजवीज दे दी। मुख्तलिफ मुकामात को सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाने की तजवीज। बल्दिया उस्मा मान गई। लारी अड्डा पर मुसाफिर खाना बनेगा। अराजी की मिल्कियत के मामला तय पा गए। अराजी की मिल्कियत बल्दिया उस्मा के नाम रहेगी। मुसाफिर खाने एक की बजाय 2 मंजिला बनाए जाएंगे। तामीर की जिम्मेदारी एलडीए को सौंप दी गई। तामीर के रिवाइज तखमीना लागत पर काम शुरू कर दिया गया। फवाद चौधरी 8 दिन से लंदन में पिकनिक मना रहे हैं। वजारत इतलाक में आ जाओ, वजीर आजम ने पेशकश की है। शेख रशीद ने बता दिया, कहते हैं मुझ में हिम्मत नहीं दिन रात काम करूं। फवाद चौधरी को कहा है वापस आ जाओ। वजीर आजम वजारत की तब्दीली का कहें तो आपका क्या रद्देमल होगा। सहाफी का सवाल, मैं कहूंगा लव यू, थैंक यू वेरी मच। शेख रशीद का जवाब, शेख रशीद के लिए वजारत छोड़ने के लिए तैयार हूं। फैसला वजीर आजम करेंगे कौन बेहतर है। फवाद चौधरी का ट्वीट पर रद्द अमल। पीपल्स पार्टी का लीमा खान के असासों की तहकीकात के लिए जीआईटी बनाने का मुतालिबा। कमर जमान कायरा कहते हैं झूठे मुकदमा। पीपल्स पार्टी का आवाम से रिश्ता नहीं तोड़ सकते, दावों से कुछ नहीं होगा। मोर्शिद की बहाली के लिए हंगामे इकदाम करने होंगे। पीपल्स पार्टी ने कभी हुकूमत से रिलीफ नहीं मांगा। में जिमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम अपने अरूज पर पहुंच गई। यूसी 243 अटारी पिंड में पीटीआई रहनुमाओं ने दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। कारकुनों की जानिब से वालिहाना इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर की गई। मलिक असद खोकर कहते हैं कप्तान का खिलाड़ी हूं, अवाम की खिदमत ही मिशन है। 13 दिसंबर तारीखी फतह का दिन होगा, अवाम को उनके हकूक दिलाएंगे। डीएचए स्टेट एजेंट्स के इंतखाबात की गहमा गहमी अरूज पर अल खिदमत ग्रुप की जानिब से इंतखाबी मीटिंग का एहतमाम। उम्मीदवार बराए सदर मियां तलत बोले, प्रॉपर्टी बिजनेस से वाबस्ता अफराद की सहूलत के लिए काम करेंगे। नॉन फाइलर्स और ओवरसीज क्लाइंट्स के टैक्सेस के मसाइल भी हल करवाएंगे। वाघा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की पुरवकार तकरीब। गैर मुल्की रेसलर भी रेंजर्स के जवानों का जज्बा देखकर दहल गए। मिली नगमों की गूंज, ढोल की थाप ने और भी माहौल गरमा दिया। फजा अल्लाहू अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के फर्क शगाफ नारों से गूंज उठी। रेसलर्स की रेंजर्स के जवानों की तारीफ, शुरुगा के जज्बे को सराहा गया। पाकिस्तान जिंदाबाद, लाहौर लाहौरे के नारे लगाए गए। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में 100 स्पीकर एक चैंपियन के उनवान से तकरीरी मुकाबले। मुख्तलिफ स्कूल के तलबा ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। नन्हे मुकररीन का वालेहाना अंदाज देखकर शुरुका ने खूब दाद दी।